हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिड लाइफ हॉलीडे। पीछे आप देख सकते हैं मेरे अटल टनल है और मैं इस समय जा रहा हूँ शिशु विलेज, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन था कि इस समय अटल टनल क्रॉस करके जब हम लाहौल स्पीति पहुँचते हैं, खोक्सर पहुँचते हैं, शिशु पहुँचते हैं या केलांग पहुँचते हैं, तो वहाँ पर हमें कितने स्नो मिल जाएगा। दोस्तों, आज ये वीडियो मैं 1 दिसंबर 2021 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप खुद देख सकते हैं कि जो पहाड़ है इस पर बर्फ तो है एक्चुअली, बट ये आपके खेलने के लायक नहीं है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जगह मिट्टी है, थोड़ी थोड़ी जगह बर्फ है। तो अभी मैं मानता हूँ कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप मनाली आ रहे हैं तो अभी आप थोड़ा वेट कीजिए। आज आप देख सकते हैं मौसम यहाँ का ख़राब है और मैंने सुबह भी वीडियो आपके लिए डाला था और आपको दिखा देता हूँ, इस समय काले थोड़े थोड़े बादल छाए हुए हैं जो शायद आने वाले 1 या 2 दिन में यहाँ पर स्नोफॉल करें, क्योंकि यहाँ बारिश कम होती है, स्नोफॉल ज़्यादा होता है। तो चांस यही है कि यहाँ स्नोफॉल आने वाले 3 या 5 तारीख के बीच में हो सकता है। अभी आप मेरे बैक साइड में देख रहे हैं तो ये जो पूरी साइड है ये ग्रीनिश या येलोइश है, यहाँ पर बिल्कुल स्नो नहीं है। अगर आप पीछे देखेंगे तो स्नो है, क्योंकि यहाँ धूप नहीं पड़ती एक्चुअली, इसलिए यहाँ पर अभी भी स्नो रुका हुआ है। ये काफ़ी पुराना स्नो है। अच्छा, नीचे दिखाता हूँ आपको, ये जो ग्रीन और ब्लूइश रिवर बह रही है इसको हम चंद्रा रिवर बोलते हैं, और इसके पास में आप ये एक पॉइंट देख रहे हैं ना, यहाँ थोड़ा जल भरा हुआ है, तो ये एक ताल टाइप का बना हुआ है और ये जम चुका है, मतलब यहाँ की झीलें तो जम रही हैं, बस यार आप लोगों के लिए स्नोफॉल का वेट हो रहा है। तो आप लोग जैसे आ रहे हैं मनाली तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा सब्र कर लें, अभी 5 से 10 दिसंबर के बीच में अपना प्लान करें, ये आपके लिए अच्छा भी रहेगा और हो सकता है कि आपको स्नोफॉल मिल जाए। अभी आप देखेंगे काफ़ी दर्शक या सैलानी यहाँ पर आए हुए हैं, टूरिस्ट आए हुए हैं मनाली में, और सब लोग यहाँ पर बर्फ के इंतज़ार में ही हैं, लेकिन यहाँ स्नोफॉल के चांस अभी नहीं है, 1 या 2 दिन लगेगा। आज मौसम ख़राब हो चुका है और अगर आपको ऐसे ही अपडेट्स चाहिए, रेगुलर अपडेट्स चाहिए, तो आप लोग हमारे YouTube चैनल मिड लाइफ हॉलीडे को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, ताकि हम आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहें कि कैसा मौसम है, कब स्नोफॉल हो रहा है और कब होने की आकांक्षा है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि अटल टनल में आप लोगों को बीच में बहुत ठंड लगेगी, तो जो भी राइडर्स हैं, जैसे मैं अपनी बाइक से आया हुआ हूँ यहाँ पर, तो जितने भी राइडर्स हैं ये ध्यान रखें कि आप अगर राइडिंग गियर्स नहीं पहन के आएंगे तो काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, हाथ आपके जाम हो जाएंगे, बाइक चलाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ जो टेम्परेचर है ये काफ़ी ज़्यादा डाउन है, इस समय यहाँ का टेम्परेचर -5 है और रात को ही -24 तक भी पहुँच जाता है, इसीलिए ये झीलें जम रही हैं। और काफ़ी बहुत ही सुंदर नज़ारे आप देख सकते हैं यहाँ पर हैं, तो आशा करता हूँ कि आप लोग जब आएंगे तो यहाँ स्नोफॉल होगा। अभी आपको एक वाटरफॉल दिखाता हूँ, वो वहाँ पर एक वाटरफॉल है, अभी वीडियो में दिखाऊंगा, अटल टनल के जस्ट बराबर में, और वो जम चुका है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लेक जमी हुई है।